तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल सुमित स्टॉक मैजिक में। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए, सीधा सा बता रहा हूँ, रॉकेट की तरह उड़ने वाला ये शेयर, ह्यूज वॉल्यूम का इसमें हुआ है ब्रेकआउट। और इसके टारगेट्स की बात करेंगे ना तो काफ़ी लॉन्ग है, क्योंकि आपको जो ये मैं दिखा रहा हूँ इसमें एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनी है, अब तक नहीं बनी थी काफ़ी टाइम से। तो देखो कहीं ना कहीं कुछ इसमें स्मार्ट ट्रेडर्स ने भी एंट्री करी है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, 80% इस केस में जब भी एक वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है ना, काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम आता है, 80% केस में वो स्टॉक हमेशा बहुत ज़्यादा फटता है, 20-30-40% तक भी। मैंने JMA दिया था वॉल्यूम का, कुछ उसमें शॉकिंग हुआ था, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, वो ब्लास्ट हो चुका है 35 से 50, 1 से 1.5 हफ्ते में वो आ चुका है स्टॉक। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। तो अभी इस स्टॉक का सबसे पहले तो आप लोग नाम जान लो, और इस वीडियो का पूरा एंड तक देखना, उसके पीछे का लॉजिक भी आप लोगों को समझना चाहिए। PDSL MFL। तो कंपनी का आप सबसे पहले फंडामेंटल बाद में देखेंगे, पहले आप इसका टेक्निकल देखिए। टेक्निकल देखोगे आप लोग, लगातार ये बहुत ग्रीन कैंडल इसमें बनती जा रही है और लगातार ये ऊपर की तरफ निकला है, बट काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था एक जोन में। और अपने एक इसका जो ये वाला है ना अराउंड 720-725 का, ये इसे नहीं तोड़ पा रहा था, बट फाइनली अब इसने एक वॉल्यूम के साथ इंडिकेशन दिया है कि अब ये यहाँ से ब्लास्ट करने के लिए तैयार है। बाकी रिजल्ट आप लोगों के सामने, जैसी एक बार बड़ी कैंडल बनी थी जब स्टॉक था 400 का, 400 से सीधा स्टॉक गया था हमारा 700, तो 300 पॉइंट की एक चाल आई थी। फिर से एक बड़ी तैयारी हो चुकी है, सेटअप कर चुका है बिग प्लेयर ने अपनी, एक बोलते हैं ना माल भर लिया है उसने, बस अब उड़ाने की देर है। उड़ाने मतलब फ्लाइट को सीधा बस समझ जाओ, उड़ाने के लिए तैयार बैठा है। और बिल्कुल अब देखो 80% वॉल्यूम अगर ये इंडिकेशन दे रहा है ना, तो समझ लो 80% उस स्टॉक उड़ेगा ज़रूर। 20% होता है कभी कभी कि ऑपरेटर फेक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। एक छोटा सा प्यारा सा स्टॉप लॉस लगाकर इसमें इसके कैंडल का लो का आपको मेंटेन करना चाहिए। बाकी ओपन चैलेंज के साथ 700 रुपये प्राइस दिख रही है, 1000 स्टॉक ज़रूर टच करेगा, 1000-1200-1400 तक के इसका टारगेट आप लोग मान के चल सकते हो। क्योंकि देखो आप ये देखो, ये जो कैंडल बनी है ना, काफ़ी मतलब अपने आप में बहुत महीनों के बाद एक ह्यूज कैंडल बनी है, तो इसके ऊपर सीधा स्टॉक फायर करेगा 725 के ऊपर, गोली की तरह उड़ जाएगा रफ्तार की तरह। और थोड़ी देर सस्टेन हो गया तो फिर सीधा 10-15% या 20% भी इसमें लगता हुआ आप लोगों को देख सकता है। और हाँ, अब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक तो करना ही, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। अब सबसे पहले आप कंपनी का काम देखो, PDS मल्टीनेशनल फैशन, समझ रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी है, या हमारी MNC टाइप बोलते हो जिसे, और फैशन की कंपनी है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस कंपनी का अगर निकल कर आ रहा है ना, वो फैशन इंडस्ट्रीज की निकल रही है। आपने अगर मेरी आज की लाइव नहीं देखी तो आप आज की लाइव जरूर जाकर देखना, मैंने वहाँ पर आपको बताया फैशन के स्टॉकों में आग लगने की तैयारी हो चुकी है। अगला स्टॉक अगर कोई बोल सकते हो ना रडार पर है, इंडेक्स नहीं है बट इसका एक बोलते हैं ना फैशन इंडस्ट्री में आग लगने के लिए तैयार बैठी है, चिंगारी तैयार है। वॉल्यूम देखो आप, हर स्टॉक में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ स्मार्ट प्लेयर्स अपनी एंट्री भी बना रहे हैं। बाकी आप लोग एक्सपर्ट हो ही। अब PDS मल्टीनेशनल के आप जाकर देखना चार्ट में भी वॉल्यूम ब्रेकआउट, दूसरा प्लस पॉइंट फैशन इंडस्ट्री है, और तीसरा प्लस पॉइंट देखोगे ना तो कंपनी क्या करती है, ग्लोबल उस पर डील करती है ब्रांड्स की, बड़े बड़े महंगे महंगे क्लासिक प्रोडक्ट्स को ना कंपिटेटिव प्राइस में बेचती है। तो इस वजह से कंपनी की जो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी आप एक बार इसके फंडामेंटल देखोगे आप लोग खुद ही जान जाओगे। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये थी, अब तक अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा ना, तो आप बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाकर छोड़ूंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी सुमित स्टॉक मैजिक की, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इसे टेलीग्राम पर सर्च करके भी हमारे सुमित स्टॉक मैजिक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखते हैं कंपनी की मार्केट कैपिटल, तो देखो मार्केट कैपिटल भी 1800 से भी ज़्यादा करोड़ की, 1800 प्लस करोड़, पर थोड़ा सा एक नेगेटिव बोल सकते हो, स्टॉक पी थोड़ा सा 40 दिखा रहा है, बट अकॉर्डिंग टू इस चार्ट्स ये काफ़ी कम दिखा रहा है, मतलब चार्ट्स के हिसाब से काफ़ी बड़ा टारगेट्स इसमें हम लोगों को देखने में मिल सकते हैं। तो यही बोलूँगा, एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी ज़रूर पूछें, क्योंकि ये मेरी कुछ बेस्ट एनालिसिस है जो मुझे लगता है पर्सनली स्टॉक में वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है, और फैशन इंडस्ट्री भी रडार पर है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक रॉकेट होता हुआ आप लोगों को देख सकता है जल्दी के अंदर, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना, बट फटेगा ज़रूर। बाकी आप लोग देख सकते हो कंपनी का प्लस पॉइंट, कंपनी ने अपनी रिड्यूस करी है डेप्ट, और कंपनी का लास्ट के प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी बड़ी है लास्ट के 5 सालों में। और नेगेटिव पॉइंट इसका कुछ अच्छा खासा कुछ है नहीं जो आपको बताने लगे, क्योंकि सब चीज़ नॉर्मल है, कोई ये नहीं कि पर्सनली नेगेटिव बस लिख दिया वो नॉर्मल है, बट ऐसा एक भी नेगेटिव इसका नहीं है कोई। बाकी आप लोग सेल्स पर नज़र घेरोगे तो सेल्स लगातार कंपनी बढ़ाती जा रही है अपनी, देखो सेल्स लगातार बढ़ रही है, पहले 6400, तो कहीं ना कहीं इसके लिए प्लस पॉइंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो कितना ह्यूज बढ़ा है, सीधा 38 से 136, उसके बाद सीधा 204,
तो कहीं ना कहीं ये इस कंपनी का प्लस पॉइंट दर्शा रही है, कंपनी में कुछ बड़ा चल रहा है, मल्टीनेशनल लेवल पर कंपनी का काम बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। बाकी आप लोग देखो डेप्टर्स डेज भी कंपनी के कम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोना है, ये स्टॉक आपको महंगी चीज़ सस्ते में मिल रही है, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलने का। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग भी राय देना, आपको स्टॉक क्या मल्टीबैगर लगता हुआ दिखेगा या लग रहा है कि एक नॉर्मल वॉल्यूम का फेक ऑपरेटर फंसा रहा है, ट्रैप कर रहा है, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी ज़रूर बताएं। बाकी इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक और निकल कर आ रहा है, प्रमोटर होल्डिंग इसमें काफ़ी यूज़ है। अगर आप लोग देखोगे प्रमोटर होल्डिंग 66% का स्टेक अपने आप में बहुत बड़ी नंबर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक तो करना ही, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।